नमस्कार, विद्युत समाचार में आपका स्वागत है। पेश है आज की प्रमुख खबरें। गृहमंत्री राजनाथ सिंह पाकिस्तान जाएंगे। केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह 3 अगस्त को शुरू होने वाले दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन देशों के गृह मंत्रियों के 2 दिवसीय सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए पाकिस्तान जाएंगे। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार सिंह सम्मेलन में शामिल होने के अलावा पाकिस्तान के गृह मंत्री चौधरी निसार अली खान समेत सार्क देशों के अपने समकक्षों से द्विपक्षीय बातचीत कर सकते हैं। इस यात्रा में गृह मंत्री के साथ केंद्रीय गृह सचिव राजीव महर्षि तथा गृह मंत्रालय के कई अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी होंगे। सिंह पाकिस्तानी नेताओं के साथ बातचीत तथा सम्मेलन में अपने संबोधन में आतंकवाद, मादक पदार्थों की तस्करी तथा अन्य कई मुद्दों के खिलाफ बोल सकते हैं। आतंकी बहादुर अली का खुलासा, कहा मैं लाहौर का रहने वाला हूं। हाल ही में मुठभेड़ के बाद जम्मू कश्मीर में गिरफ्तार किए गए आतंकवादी बहादुर अली ने कहा कि वह सीमा पार से आया है और लाहौर का रहने वाला है। उसने अपनी उम्र 21 साल बताई है। दूसरी ओर केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि जम्मू कश्मीर समेत भारत के अन्य हिस्सों में आतंकवादी घटनाओं के पीछे पाकिस्तान का हाथ है, यह आतंकी अली की गिरफ्तारी के बाद साफ हो चुका है। मुलायम बोले, भारत के लिए असली खतरा चीन से है, पाकिस्तान से नहीं। समाजवादी पार्टी के नेता मुलायम सिंह यादव ने उत्तराखंड में हाल ही में हुई चीन की घुसपैठ के मामले में गुरुवार को फिर चेताते हुए कहा कि देश को वास्तविक खतरा पाकिस्तान से नहीं बल्कि चीन से है और उसे सावधान रहने की जरूरत है। लोकसभा में शून्यकाल के दौरान कांग्रेस के ज्योतिरादित्य सिंधिया द्वारा यह मामला उठाए जाने के बाद यादव ने कहा कि उत्तराखंड में चीन की घुसपैठ का मामला काफी गंभीर है और देश तथा सरकार को चीन से सावधान रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि चीन की नीति रही है कि जब वह कमजोर होता है तो बैठ जाता है और जब उसकी ताकत बढ़ने लगती है तो वह हमला करने की कोशिश करता है। अजमेर दरगाह के दीवान ने कहा पैगंबर मोहम्मद गौमांस सेवन के विरोधी थे। सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती दरगाह के दीवान सैयद जैनुल आबेदीन अली खान ने गौमांस की आड़ में सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ने की घटनाओं पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि पैगंबर मोहम्मद साहब ने भी गौमांस के सेवन को सख्ती से मना करते हुए गाय के दूध को इंसान के लिए बहुत उपयोगी बताया था। खान ने कहा कि कुछ शरारती तत्व गौमांस के मुद्दे पर देश का माहौल बिगाड़ रहे हैं, देश को गृह युद्ध की तरफ धकेलने का प्रयास कर रहे हैं, जिसे किसी भी दृष्टि से उचित नहीं ठहराया जा सकता। उन्होंने कहा कि इस तरह के मुद्दों से देश में सदियों से आपसी मेलजोल से रह रहे दो संप्रदायों के बीच नफरत बढ़ेगी और विकास के मुद्दे पीछे रह जाएंगे। बांग्लादेश में मारे गए आतंकवादियों में से एक बांग्लादेशी अमेरिकी नागरिक। बांग्लादेश में सप्ताह पुलिस के छापे में मारे गए 9 आतंकवादियों में से एक बांग्लादेशी मूल का अमेरिकी नागरिक था, जिसका साथी 1 जुलाई को ढाका के कैफे के हमले में शामिल था। 1 जुलाई के इस हमले में 22 लोग मारे गए थे। पुलिस ने मंगलवार को ढाका के बाहरी भाग के एक मकान पर छापा मारकर 9 आतंकवादियों को मारा था। पुलिस ने बताया कि छापे में मारे गए आतंकवादी उसी गुट के थे जिसके सदस्यों ने 1 जुलाई को हमला किया था। ये थे अब तक के मुख्य समाचार। और ज्यादा जानकारी के लिए लॉगिन कीजिए हमारी वेबसाइट www.webdunia.com। नमस्कार।